नीतीश कुमार ने छोड़ा एनडीए का साथ तो बीजेपी के चाणक ने संभाली बिहार की कमान। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बिहार में ताबड़तोड़ रैली। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को देंगे चुनौती। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 सीटों में 35 जीतने का रखा है लक्ष्य। बिहार में सियासी समीकरण बदल गए हैं। नीतीश कुमार अब भाजपा के साथ नहीं रहे, राजद के साथ मिलकर एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनाई है। ऐसे में बीजेपी भी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। मिशन बिहार का जिम्मा खुद भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने लिया है। अगले महीने गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आने वाले हैं। बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके से अमित शाह मिशन 2024 का आगाज करेंगे। नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद अमित शाह पहली बार अगले महीने 2 दिन के लिए बिहार दौरे पर पहुंचेंगे। 7-23 सितंबर को पूर्णिया और 24 सितंबर को किशनगंज में रैली करेंगे। अमित शाह मुख्य रूप से बिहार के उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जिसे आरजेडी के यादव मुस्लिम समीकरण और महागठबंधन के गढ़ के रूप में देखा जाता है। अमित शाह के सामने चुनौती यह है कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों में 35 जीतना है, क्योंकि पार्टी हर हाल में बिहार में कमजोर नहीं होना चाहती। नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार में भाजपा के पास कोई मजबूत साथी भी नहीं है। ऐसे में अमित शाह उन इलाकों को टारगेट कर रहे हैं जहां जदयू राजद का गढ़ माना जाता है। माना जा रहा है कि अमित शाह महागठबंधन के मजबूत दुर्ग में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाकर और नीतीश सरकार के खिलाफ माहौल बनाकर राज्य में फतेह करने की सियासी बिसात बिछाएंगे। बीजेपी ने शुरू से ही सीमांचल को अपने टारगेट में इसलिए रखा है क्योंकि इलाका काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। सीमांचल में 40-70% आबादी अल्पसंख्यकों की है। खासकर इस इलाके में बांग्लादेश घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में अमित शाह अपने सीमांचल दौरे पर इस मुद्दे को रैली में उठा सकते हैं। जदयू के साथ होने के चलते बीजेपी खुलकर हिंदुत्व कार्ड नहीं खेलती थी, लेकिन बदले हुए माहौल में अपने एजेंडे पर सियासी समीकरण सेट करने का मौका दिख रहा है। अमित शाह सीमांचल दौरे पर घुसपैठ की समस्या उठा सकते हैं, तो साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी तरफ खींचने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को उनके सामने रख सकते हैं। बीजेपी की तरफ से इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। मुख्य रूप से इन दोनों कार्यक्रमों में संयोजक बिहार बीजेपी के कोषाध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, जो सीमांचल में काफ़ी सक्रिय हैं और लगातार MLC का चुनाव जीतते रहे हैं। वहीं अमित शाह के सीमांचल दौरे को जदयू ने सांप्रदायिकता से जोड़ते हुए हमला किया है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी बिहार में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिशों में जुट गई है। यह बात अमित शाह की पहली यात्रा के लिए जगह के चुनाव में नजर आ गई है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। बिहार में सांप्रदायिकता को भुनाने की बीजेपी की योजना उसी तरह विफल हो जाएगी जैसे उसने पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में की थी। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने सीमांचल की 4 लोकसभा सीटों में से एक अररिया से जीत सकी थी, तो एनडीए में रहते हुए जदयू को कटिहार और पूर्णिया सीट मिली थी। ये दोनों ही सीटें परंपरागत रूप से बीजेपी की मानी जाती रही है। इसके अलावा किशनगंज सीट से कांग्रेस को जीत मिली थी। अब जदयू ने रास्ते अलग कर लिए हैं, तो बीजेपी यहाँ एक बार फिर से 4 की सीटों पर जीत के लिए प्लान बना रही है। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें, और आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।